बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब भी चैनल कर लें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और ये ओ एंड ए लेवल्स के लिए खास एक्सक्लूसिव चैनल है फिजिक्स और मैथ्स के लिए। आएँ ज़रा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो मैं परम्यूटेशन के टाइप्स बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो परम्यूटेशन के जो टाइप्स हैं, एक होती है लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन क्या होती है कि ये आपने स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट को करना होता है। मिसाल के तौर पर ये चेयर्स हैं, तीन चेयर्स हैं, आपने चार चेयर्स हैं, तीन बंदों को बैठाना है इसमें या चार बंदों को बैठाना है, तो ये लीनियर परम्यूटेशन हो गया। अगर ये सर्कुलर टेबल में बैठना चाहें तो ये होता है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन ए लेवल्स पे नहीं है, हमारे कोर्स पे नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। अब परम्यूटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पांच तरह के आते हैं। मैं क्वेश्चंस ही डिस्कस करने लगा हूँ परम्यूटेशन के। चार तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये पहला होता है, और मैं बताऊंगा कि इसमें आपने फंडामेंटल जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग का वो भी लगा सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन भी कर सकते हैं। आपका इसका पहला तो ये होता है कि आपके पास एन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको आपने आर टाइम्स परम्यूट करना होता है। यानी आपके पास एन चीजें हैं और उनको आर जगहों पे आपने फिट करना होता है, तो इसकी परम्यूटेशन होती है पी एन आर, जो कि बराबर होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि आपके पास पांच स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी और ई स्टूडेंट्स हैं, और आपके पास तीन चेयर्स हैं, एक दो तीन चेयर्स हैं, इनमें आपने पांचों को बिठाना है चेयर के हिसाब से, ऑर्डर मैटर करता है। तो देखिए, पहले चेयर पे ये पांच के पांच बंदे बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकते हैं, पांच पांच वे में फिल की जा सकती है। उसके बाद जब पहली फिल की जा चुकी है, मैं सपोज करूंगा ए बैठ गया इस पर, वैसे तो कोई बैठ सकता है, ए बैठ गया, तो बाकी आपके पास वन टू थ्री फोर च्वाइस हैं सेकंड चीज भरने के, सेकंड सीट भरने के लिए, तो उसको फोर करें। जब दूसरी सीट भर दी गई है फोर च्वाइस, तो तीसरी सीट को भरने के लिए आपके पास सब थ्री च्वाइस दें, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टी एक यानी फाइव वेज में होता है, दूसरा फोर में, तीसरा तीसरे में, एंड है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी इंटू थ्री हो जाएगा सिक्सटी। अगर इसको आप परम्यूटेशन से करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फाइव ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास थ्री टाइम फाइव पी थ्री, ये कैलकुलेटर्स भी फाइव पी थ्री कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ये करें फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, तो जगह फाइव इज टू फोर इज टू थ्री इज टू टू इज टू वन डिवाइडेड बाई टू इज टू वन, टू टू में कैंसिल हो गया, आप ये करें तो ये भी आपके सिक्सटी आ जाते हैं। ये पहली टाइप। दूसरी जो दूसरा जो आता है वो भी इसी तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपने एन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एन प्लेसेस में ही परम्यूट करना होता है, यानी प्लेसेस भी एम है और ऑब्जेक्ट्स भी एन है। देखिए, तो यानी ये इसमें आर जो था, यानी एन ग्रेटर था आर से, इसमें एन इस इक्वल होगा आर के, एन कभी भी लेस आर से नहीं हो सकता। तो आप ये देखें, एन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, एन प्लेसेस हैं परम्यूट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास मैं कहूँ कि ये फाइव स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई फाइव स्टूडेंट्स हैं और सीटें भी फाइव हैं। तो देखिए, पहली सीट कितने तरीके से फिल की जा सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव तरीकों से, दूसरी जब फाइव भर देगा तो फोर तरीकों से, तीसरी जब फोर हो गया तो थ्री तरीके से, तीसरी टू से, ये वन से, तो ये बेसिकली आप शॉर्ट कर देते हैं फाइव फैक्टोरियल, या इसको मैं आप कैलकुलेट भी करें फाइव फैक्टोरियल, यानी ये आपका आएगा वन ट्वेंटी। अच्छा, अगर आप परम्यूटेशन से कैलकुलेट करना चाहें तो ये कर सकते हैं पी एन एन, तो आप ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, जो कि एन फैक्टोरियल का। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट किया जाता है एन फैक्टोरियल, यानी अगर ऑब्जेक्ट सेम हो और परम्यूटेशन की तादाद भी सेम हो तो डायरेक्ट किया जा सकता है। इसमें भी आप ये कर सकते हैं, आप अगर ये करना चाहें तभी ठीक है, यानी फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस फाइव फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ये जगह फाइव फैक्टर जीरो फैक्टोरियल वन होता है, फाइव फैक्टोरियल ये जगह वन ट्वेंटी के, या डायरेक्ट इसको फाइव फैक्टोरियल कर दें तभी वन ट्वेंटी आएगा ये।
अच्छा, तीसरा ये होता है कि आपके पास एन जो है, तीसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो एन जो है ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सारे डिसिमिलर नहीं होते, कुछ सिमिलर होते हैं। इसमें पी जो है वो लाइक होते हैं या अलाइक होते हैं, पी अलाइक होते हैं, क्यू भी अलाइक होते हैं, आर भी अलाइक होते हैं, और इनका सम जो होता है वो पी प्लस क्यू प्लस आर हमेशा एन के बराबर होता है। ये कोशिश करके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स न किया करें। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे हैं, तो इसमें बंदा एक जैसे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो उससे बंदा जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि डीड एक लफ्ज़ है, डीड, इसको आपने फोर में अगर करना है तो अगर डी ये वाला डी इधर रखेंगे या डे वाला डी, ये तो एक ही बात है, तो ये रिपीटेशन हो जाती है इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा तंग करता है इसमें। बेसिकली आप इसमें अगर देखें तो इसका जो रूल है वो ये कि एन ऑब्जेक्ट है तो एन फैक्टोरियल करें, जो लाइक है उनसे डिवाइड कर लिया करें, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, इनका सम हमेशा एन के बराबर आना चाहिए। और अगर वन आता है तो वन लिखते नहीं हो, क्योंकि वन फैक्टर वन होता है, इस वजह से कभी कभी वो वन नहीं लिखते, लेकिन वो ना। अब इसमें मिसाल के तौर पर है आपके चार है, तो इसका लेकिन चार फैक्टर, ये चार जगहों से फिर किया जाती है, लेकिन ये दो रिपीट हो रही हैं, ये भी दो रिपीट हो रही हैं, ये दो रिपीटेशन तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, फोर इज टू थ्री इज टू टू इज टू वन अपॉन ये टू इज टू वन, और फिर टू फैक्टोरियल टू इज टू वन, ये टू टू में कैंसिल, ये टू, ये सिक्स, इसकी परमुटेशन सिक्स है। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक लेटर में ले रहा हूँ, सपोज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इसमें कितने लेटर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इंडिपेंडेंस में ट्वेल्व लेटर्स हैं। तो आप देखिए इंडिपेंडेंस ट्वेल्व लेटर्स हैं, इसको सेपरेट करें, ये आई इस तरह, एन जो ये डी, इधर ई, इधर पी, फिर ई जो आया उसके नीचे लिख दें, फिर एन, फिर डी, इंडिपेंडेंस, इधर डी लगा, फिर ई, फिर एन, फिर सी, फिर ई। आप ये देखें, ये वन वन और थ्री फोर और टू सिक्स, सिक्स और फोर टेन इलेवन ट्वेल्व है टोटल। तो इसकी अगर परम्यूटेशन करेंगे तो टोटल ट्वेल्व लेटर्स हैं, ट्वेल्व ऐसी होंगी, वन टू थ्री, ये ट्वेल्व करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो ये ट्वेल्व फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन इसमें ये रिपीटेशन तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखें एन तीन दफ़ा रिपीट हुआ है तो तीन फैक्टोरियल, इंटू डी टू दफ़ा हुआ है तो टू फैक्टोरियल, इंटू ई चार दफ़ा है तो चार फैक्टोरियल, बस। अच्छा, अब ये देखिए, ये लिख आई वन दफ़ा तो वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये पी वन फैक्टोरियल लिख दें, और सी भी वन फैक्टोरियल, लेकिन ये वन फैक्टोरियल वन होता है इसलिए उमन ये लिखा नहीं जाता है, ये लिख दिया जाता है बस, यानी ट्वेल्व फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल। अच्छा, ये हो गया। जो चौथा टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी। चौथे टाइप में परम्यूटेशन में ये होता है कि आपके पास एक परम्यूटेशन होती है, एन थिंग्स होती हैं एट अ टाइम, एन थिंग्स होती हैं एट अ टाइम, एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड, व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड वंस ट्वाइस थ्राइस एंड आर टाइम्स। तो इसका जो परम्यूटेशन आती है वो हमेशा होती है एन पावर आर, यानी आर एन चीज़ें हैं, उनको कोई एक दफ़ा भी रिपीट हो सकती है, दो दफ़ा भी हो सकती है, तीन दफ़ा भी हो सकती है, आर टाइम हो सकती है, तो उसकी जो परम्यूटेशन होती है एन पावर आर होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि सपोज हमारे पास फाइव प्राइजेज हैं, फाइव प्राइजेज हैं जिनके मेडल हैं एम वन, मेडल के नाम देता हूँ एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, फाइव मेडल्स हैं, फोर स्टूडेंट्स हैं हमारे, फोर स्टूडेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब ये मेडल जो है बांटे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं शर्त कि मेडल सब एक स्टूडेंट को मिल सकता है, मेडल सबको मिल सकता है, मेडल
एक से एक मेडल एक से ज्यादा स्टूडेंट को मिल सकते, हो सकता है एक को मिले, एक से दो को, एक को एक दफ़ा मिले, एक से दो को दो एक एक दफ़ा मिल जाए इस तरह। तो आप देखिए अगर यानी फाइव प्राइजेज हैं मेरे पास, फाइव प्राइजेज हैं और फोर स्टूडेंट में होते हैं, फाइव प्राइजेज हैं और फोर स्टूडेंट्स हैं, इनमें ये परम्यूट करना है इस तरीके से देखिए, हर स्टूडेंट जो है ना, एवरी स्टूडेंट इज यानी एलिजिबल फॉर मोर देन वन प्राइजेस, एलिजिबल फॉर मोर देन वन प्राइज। तो आप देखें कि आपका जो ए जो A1 प्राइज है आपका, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, A1 प्राइज है, A1 प्राइज आपका ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, सी भी ले सकता है, डी भी ले सकता है, यानी ये A1 प्राइज आपका जो है फोर वेज में जा सकता है, A1 प्राइज, ठीक है ना, क्योंकि फोर स्टूडेंट चारों के चारों ले सकते हैं, ठीक है, चारों स्टूडेंट, अच्छा ये सॉरी, ये चारों के चारों स्टूडेंट फाइव प्राइजेस ले सकते हैं, यानी ये आपका ये प्राइजेस हैं, देखें ये फाइव प्राइजेस हैं, तो ये A1 प्राइज जो है चारों के चारों स्टूडेंट ले सकते हैं, आपका ए भी ले सकता है M1, बी भी ले सकता है M1 और सी भी ले सकता है M1, डी भी ले सकता है M1, ठीक है, यानी ए स्टूडेंट भी ले सकता है M1, इसी तरह M2 प्राइज भी आपके ये चारों स्टूडेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट बनाए आप ये चार, 1 2 3 4 मेडल कितने हैं, 5, ये भी 5 ले सकता है, 5 के 5 ले सकता है, ये भी 5 के 5 दे सकता है, ये भी 5 के 5 दे सकता है, ये भी 5 के 5 दे सकता है, तो टोटल प्राइसेस जो हो जाएंगे आप ये देखें कि यानी मेडल ये जो है 5 प्राइजेस हैं और 4 स्टूडेंट हैं, तो ये आपका हो जाएगा यानी आप समझ लें कि 5 प्राइजेस हैं और 4 स्टूडेंट में लिया जा सकता है, तो प्राइजेस आपके 5 हैं, ठीक है, तो ये 5 प्राइजेस जो है ये 4 के 4 स्टूडेंट ले सकता है, ये एक स्टूडेंट जो है 5 के 5 प्राइजेस ले सकता है, दूसरा भी 5 ले सकता है, ये भी 5 ले सकता है, ये भी 5 ले सकता है, लेकिन ये बेसिकली स्टूडेंट नहीं बल्कि आप ये समझें कि एक प्राइस इस तरह सारी या प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारी सारी मैं थोड़ा सा और तरीके से चला गया, आप जो हैं बेसिकली 5 प्राइजेस हैं और 4 स्टूडेंट हैं, देखें 5 प्राइजेस हैं और 4 स्टूडेंट हैं, तो आप ये जो फर्स्ट प्राइज है M1, दूसरा प्राइज है M2, तीसरा प्राइज है M3, चौथा प्राइज है M4, पांचवा प्राइज है M5, आप ये देखें ये 4 के 4 स्टूडेंट ले सकते हैं, ए बी सी डी स्टूडेंट है, ए बी सी डी स्टूडेंट है, ये फर्स्ट प्राइज M1 चारों के चारों स्टूडेंट ले सकते हैं, M2 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M3 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M4 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M5 भी चारों के चारों ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4:4:4:4:4, ये हो जाएगा 4 पावर 5। पहले मैं थोड़ा सा सारी गलत समझा रहा था, देखिए इसमें बेसिकली आपके A1 प्राइज है, ये मेडल्स हैं, 5 मेडल हैं, स्टूडेंट हैं 4, हर स्टूडेंट जो है ना सब प्राइजेस ले सकता है, ठीक है, यानी जो पहला मेडल है हर स्टूडेंट कोई भी प्राइज ले सकता है, जो स्टूडेंट और ज़्यादा भी ले सकता है, यानी जो पहला मेडल है M1 वो भी चारों के चारों स्टूडेंट ले सकते हैं, M2 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M3 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M4 भी चारों के चारों ले सकते हैं, M5 भी चारों के चारों ले सकते हैं, तो आपके 5 प्राइजेस 4 स्टूडेंट में जो डिवाइड हो जाएंगे 4 पावर 5 टाइम्स में होंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं बेसिकली हम परम्यूटेशन के 4 टाइप्स करेंगे, यानी एक ये कि n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट से 8 टाइम्स हो रहे हैं, दूसरे ये कि n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट से n टाइम्स उस n टाइम्स ही हो रहे हैं, और तीसरा ये कि n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ सिमिलर हैं कुछ डिसिमिलर हैं, तो उसको किस तरीके से परम्यूट करेंगे, और तीसरा ये है कि आपके n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको यानी कोई एक जो है एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है प्राइस, 3 दफा परम्यूटेशन हो सकती है उसकी, 4 भी हो सकती है, 8 टाइम्स हो सकती है, तो उसकी परम्यूटेशन जो मशीन होती है वो होती है n पावर r। मैंने इसमें बताया कि अगर 5 प्राइजेज हैं और 4 स्टूडेंट्स हैं, और देखिए चारों स्टूडेंट जो है 5 प्राइज जीत सकते हैं, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा प्राइज जीत सकता है,
तो M1 जो मेडल है, यानी एक मेडल एक से ज्यादा स्टूडेंट को दिया जा सकता है बेसिकली, आप ये समझ लें। तो M1 जो है मेडल चारों के चारों दे सकते हैं, हो सकता है एक जीते, हो सकता है दो जीते, हो सकता है तीन जीते, हो सकता है चारों के चारों जीते। M2 भी इसी तरह, तो आपके ये जो परम्यूटेशन हो जाएगा 4:4:4:4 या 4 पावर 5 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।